दोस्तों नमस्कार। आप सबका शर्मन की चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आए हैं और डेफिनेटली हमारे जो आज का टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। देखिए, इस टॉपिक को बनाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है। इसलिए मेहनत की है क्योंकि मेरा मानना है एटमी न्यूट्रामिक्स यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। देखिए, नंबर एक, इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन का कोई भी कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हो सकता है कुछ जगह पे हो, कुछ जगह पे ना हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको देखें तो एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हमारे यहाँ फूड एडल्ट्रेशन का कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी कारण से हमें आप सबको प्रोबायोटिक, एक अच्छा प्रोबायोटिक जरूर लेना चाहिए। बताने की कोशिश की क्यों मैं इस पे इतना सेशन लेता हूँ, क्योंकि मेरे कम से कम 3-4 वीडियो मेरे खुद के वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं। प्रोबायोटिक क्या है? हालांकि आप सब लोग बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, सब जानते हैं प्रोबायोटिक क्या है, स्वास्थ्य पे उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, बड़ी बीमारियां क्या हैं, और उसका प्रोबायोटिक के साथ कमी के साथ क्या संबंध है, अच्छे प्रोबायोटिक की क्या पहचान है, और प्रोबायोटिक और पोस्टबायोटिक और प्रीबायोटिक ये सब क्या है, ठीक है ना। इसकी कमी को हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि हाथों में जाता है तो हमें पता नहीं चल पाता है, तो हम ऊपर से कैसे हम जान सकते हैं कि इसकी कमी हमको है कि नहीं है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो लास्ट सेशन में मैंने किया था कि किसको नहीं देना है, किसको नहीं लेना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कितना और कैसे लेना है, तो इस सब के बारे में बात करेंगे। बट लेकिन उस सबके पहले हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि हमारा आंतों का सिस्टम क्या है, डाइजेशन, पाचन तंत्र, ये सब थोड़ी बहुत हम आपको आज बोरिंग बातें भी समझाएंगे। आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ में और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या है बेसिकली। देखिए, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, हम जो कुछ भी खाते हैं वो शरीर में हमारे टूट के उन अणुओं में बनता है, जो छोटे छोटे अणु होते हैं और जो हमारे शरीर के काम में आते हैं। तो पाचन देखा जाए तो हमारा मुंह से स्टार्ट हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जीआई ट्रैक्ट या जिसको हम गट कहते हैं, गट बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। लोग कहते हैं ना गट फीलिंग है, जैसे आपकी गट फीलिंग से क्या आप महसूस करते हैं, तो गट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। और गट आपका मुंह से लेके आपके एनस तक पूरा ये सिस्टम जो है ना वो गट है। इसके द्वारा हम बाहर से कुछ खाने और पीने की चीजें लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक झिल्ली है, वो झिल्ली अंदर कवर होते हुए आपकी आंतों में, बड़ी आंत में और कोलोन में, और लास्ट में एनस में जाके वो खत्म होती है। ये झिल्ली इसलिए है क्योंकि अंदर शरीर के हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो बचे रहें, और बाहर से हम जो भी खाते पीते हैं उसके अंदर कोई भी विषैले तत्व हैं वो हमारे ऑर्गन, जो डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे हार्ट है आपका, लिवर है, किडनी है, और भी चीजें अंदर हैं, उसमें डायरेक्ट ना पहुंच जाए। इसको बचाने के लिए इसका दो काम है। पहला, उन टॉक्सिन से आपके बचाने के लिए, आपके डेलिकेट ऑर्गन जो नाजुक अंग है उनको बचाने के लिए। दूसरा, हम जो भी खाते पीते हैं वो एक सिस्टम में जाके उसको तोड़ मरोड़ के शरीर में किस रूप में लगे उस रूप तक बनाने में काम आता है। तो आंत आपके मुंह से शुरू होती है, गुदा तक जाती है। पाचन की शुरुआत मुंह की लार से होती है, क्योंकि लार में आपके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उनमें से एक होता है टायलिन। टायलिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका एक एंजाइम है जो मनुष्य की लार में पाया जाता है। शरीर डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, तो इसलिए टायलिन जब आप खाते, हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना 32 बार चबा के खाइए। क्यों 32 बार चबा के? एक तो खाना आपका जो भी खाएंगे वो बहुत पतला हो जाएगा, दूसरा जो है वो उसमें टायलिन मिलेगा तो वो आपके जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसको भी तोड़ेगा, अंत में वो जाके और छोटे अणुओं में वो बाद में आपके हाथ में जुड़ेगा। देखिए, इस मामले में अंग्रेजों को सैल्यूट करता हूं, बड़ा अच्छा उन्होंने एक बात बोला, ईट द ड्रिंकेबल्स, ड्रिंक द ईटेबल्स। इसको जिसने अपनी जिंदगी में उतार लिया वो समझ लिए वो बीमारी से 80% वैसे ही दूर रहेगा। क्या बोला मैंने? ईट द ड्रिंकेबल्स, ड्रिंक द ईटेबल्स, मतलब आप समझ गए होंगे, खैर आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारे मुंह में प्रोबायोटिक्स भी रहते हैं। प्रोबायोटिक्स उनको कहते हैं जो छोटे और जिसको फ्रेंडली हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया वैसे तो देखा जाए तो ये कहते हैं कि बैक्टीरिया हमेशा नुकसान करता है, लेकिन नहीं, हमारे शरीर के लिए कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो हमारे मुंह में जो प्रोबायोटिक्स रहते हैं वो है लैक्टोबैसिलस और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस सेलिबेरियस। ये दोनों आपके प्रोबायोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाते हैं। लोग कहते हैं गट में जाके प्रोबायोटिक, नहीं, मैं कहता हूँ मुंह से स्टार्ट हो जाते हैं। वो आपके पूरे सिस्टम, एक पूरा संसार है, उस शरीर डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एब्सॉर्ब नहीं कर सकता, आपका शरीर की सेल्स है। दूसरा, आपके ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम एक पूरा एक संसार है जिसको हम माइक्रोबायोम बायोम कहते हैं, मतलब बैक्टीरियाज, छोटे छोटे बैक्टीरियाज उसमें
फ्रेंडली भी हैं, नॉन फ्रेंडली भी हैं, वो सब रहते हैं। तो डाइजेशन का अर्थ है बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, जैसे चीनी से ग्लूकोज, प्रोटीन से अमीनो एसिड। और ऐसे जो एक्शंस होते हैं उसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक एंजाइम और दूसरा गुड बैक्टीरिया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। एंजाइम आपके शरीर में बहुत जगह से, जैसे जैसे खाना आपके नीचे पहुंचता है वैसे वैसे आपके शरीर के हर अंग, जैसे पैंक्रियाज है, आपका लिवर है, आपकी बहुत सारी आंतों से भी बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, वो आपके खाने में मिलते जाते हैं। लेकिन साथ में अच्छे बैक्टीरियाज मतलब प्रोबायोटिक्स का होना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार जब वो सब टूट जाता है, छोटे अणुओं में टूट जाता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन शरीर में होता है, जो आंत में होता है। तो ये सब काम जब अच्छा होगा, जब आंत का वातावरण, इन्वायरमेंट, मैंने बताया ना आपको, वो अच्छा होगा, तो इस गट में आपके बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं किसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, जिसको हम हेल्थ कहते हैं, वो स्टेट ऑफ हेल्थ आपका डिपेंड करता है बैलेंस ऑफ गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। अगर आपके शरीर में बैड बैक्टीरिया, जो पैथोजेनिक जिसको हम कहते हैं, जिससे रोग पैदा होते हैं, वो अगर ज्यादा है तो आप बीमार पड़ेंगे, अच्छे बैक्टीरिया है तो आप बीमारी से बचेंगे। तो प्रोबायोटिक्स आप जानते हैं, जीवित सूक्ष्म जीव हैं जिनका सेवन करने या शरीर पर लगाने पर स्वास्थ्य लाभ होता है। ये दही में या फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में या डायट्री सप्लीमेंट्स में, सभी में पाए जा सकते हैं और दिए भी जाते हैं। इवन आजकल तो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में भी जो है वो प्रोबायोटिक्स दिया जाता है। मैं आपको बताऊंगा आपका शरीर की सेल्स है, दूसरा आपके ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम एक पूरा बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को, जिसको माइकोबैक्टीरियम कहते हैं, उसको हानिकारक कीटाणु में रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके शरीर में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों की क्रियाओं के लिए ये दोनों बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपका खाना छोटे अणुओं में टूट गया लेकिन वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो ये दोनों काम के लिए बहुत जरूरी है। कहा यह जाता है कि जन्म के पहले 1000 दिन, मतलब 3 साल तक आपकी आंत, इंटेस्टाइन में माइक्रोबायम विकास चलता रहता है, जो आपकी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम की मैच्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है और आपकी टोटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस दौरान, 3 साल के दौरान, बहुत सारे बदलाव आपके शरीर पे होते हैं। आपके आहार में बदलाव होता है, आपके पैरा इन्वायरमेंट में बदलाव होता है, तो इसलिए आपके माइक्रोबायम में भी बदलाव होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि 3 साल की अवधि तक बच्चे को बड़ा रिस्ट्रिक्टेड डाइट देना चाहिए, ताकि जो बदलाव अंदर हो रहे हैं, कच्चा आपका जो इम्यूनिटी बन रही है, वो स्ट्रांग हो सके। तो माइक्रोबायम बेसिकली ये सूक्ष्म जीवों का एक समुदाय है, जो हमारे घर, हमारे शरीर में रहता है, इसलिए उसको माइक्रोबायम कहते हैं। 2007 से 2016 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा समर्थित ह्यूमन माइक्रोबायम प्रोजेक्ट ने स्वस्थ मानव शरीर में और उस पर रहने वाले सामान्य बैक्टीरिया की मैपिंग की और रिसर्च की। उसमें उन्होंने देखा कि दुनिया भर के जितने रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये देखा कि माइक्रोबायोम, जो अंदर आपके सूक्ष्म जीवों का पूरा संसार है, उसमें जरा सा भी अगर कोई चेंज होता है और कुछ बड़ी बीमारी होती है, उसके बीच क्या संबंध है, इस पर उन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं। और ये खोज करने के बाद आज की तारीख में बीमारी के इलाज और हेल्थ को सपोर्ट करने वाले माइक्रोबायोम को संशोधित करके, रिफाइन करके, अब नए थेरापेटिक अप्रोचेस जिसको डिजाइन किया गया, मतलब नए दवाई के तरीके, मतलब दवा के तरीके आपको डेवलप किया गया है और वो अभी भी डेवलप हो रहे हैं। आज की तारीख में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में प्रोबायोटिक का रोल और प्रोबायोटिक का सप्लीमेंटेशन देने से क्या फैक्ट इफेक्ट पड़ता है, उस पर बहुत बड़ी रिसर्चेस हो रही हैं। और आने वाले दिनों में आपके बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पे दवाइयों से ज्यादा लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोबायोटिक्स ले रहे होंगे। मतलब वैसे तो प्रोबायोटिक्स हजारों सैकड़ों होते हैं, लेकिन उसमें अलग अलग प्रोबायोटिक्स का विकास और उनका रिसर्च हो रही है कि वो किस बीमारी में कितना काम दे सकते हैं। आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो प्रोबायोटिक्स आमतौर से जो आपकी इंटेस्टाइन है, टोटल जीआई ट्रैक्ट जिसको हम कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे अपना प्रभाव डालते हैं, और खास तौर से आपके अंदर के जो बैड बैक्टीरिया, उनको दूर करने में या उसको हटाने में भी मदद करते हैं। एक शब्द आता है प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स, तो आपको पता ही है कि प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स का खाना है, हालांकि ये बड़ा सिलेक्टिव होता है, प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स के समान नहीं है। प्रीबायोटिक्स नॉन डाइजेस्टेबल जो आप खाते हैं, जो खाना पचने के, जो ऐसा समझिए जो फाइबर होता है, वो इन सूक्ष्म जीवों की, जो हमारे प्रोबायोटिक्स हैं, उनकी वृद्धि के लिए, एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो वो आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है। लोग कहते हैं ना कि आप फाइबर का इंटेक बढ़ा दीजिए, तो फाइबर का इंटेक दो कारणों से बढ़ाया जाता है, एक तो आपकी अंदर क्लींजिंग हो जाए, दूसरा आपके जो गुड बैक्टीरिया है उनके लिए खाना सही से पहुंच जाए। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है, जो डॉक्टर्स हैं खासतौर से, जो इस मामले में रिसर्च करते हैं, इस मामले में मरीजों को देखते हैं, उन वो ज्यादातर जो रिकमेंड करते हैं प्रोबायोटिक, वो दो प्रकार के बहुत रिकमेंड करते हैं। उसमें एक है बिफिडोबैक्टीरियम, दूसरा है लैक्टोबैसिली।
स्पीशीज, ये दोनों हमारे एटॉमिक न्यूट्रॉमिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पाए जाते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा आप और उसमें समझ सकते हैं। देखिए, प्रोबायोटिक की जब आपके शरीर में कमी होती है, समस्या होती है, तो अक्सर देखा गया है ये कारण हो सकता है, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं IBS, ये इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे पेट की परेशानी, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, सूजन हो जाती है अंदर, आंत में सूजन हो जाती है। तो इस पे प्रोबायोटिक के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कई पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं और बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत बेसिकली आपके आपके शरीर का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, जैसे तो मैंने कहा मुंह से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेजरली जो है ना, वो आप जब खाना पेट के नीचे पहुंचता है तो छोटी आंत और आंत बड़ी आंत में स्टार्ट होता है। छोटी आंत भोजन के पाचन मतलब डाइजेशन और पोषक तत्वों के जो आपके न्यूट्रिशन न्यूट्रिशनल चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके एब्जॉर्प्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके दो काम है, पाचन और अवशोषण, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स एंजाइम्स आपकी छोटी आंत यूज करती है, ठीक है, और इस तरीके से आपकी उस आंत के काम को बराबर रखने के लिए भी प्रोबायोटिक्स होना बहुत जरूरी है। बड़ी आंत मोस्टली वाटर का रिटेंशन, वाटर का एब्जॉर्प्शन, और एक चीज और भी है जो हम कहते हैं कि प्रोबायोटिक्स की वजह से कुछ खास विटामिन भी आपकी बॉडी में सिंथेसिस होते हैं, उनका सिंथेसिस होता है, तो उसके उत्पादन में बड़ी आंत का बड़ा रोल है। अब सवाल यहाँ पे होता है कि प्रोबायोटिक्स कहाँ रहते हैं, कहाँ पे ज्यादा रोल है। देखिए, प्रोबायोटिक्स का रोल छोटी आंत में भी है और बड़ी आंत में भी है। बड़ी आंत में ज्यादातर वो रहते हैं, तो 80-90% प्रोबायोटिक्स या गुड बैक्टीरिया आपके बड़ी आंत में घर बनाते हैं। इसलिए आपका गुड बैक्टीरिया के लिए आपकी बड़ी आंत का बेहद बेहतर होना बहुत जरूरी है। तो बड़ी आंत देखा जाए तो ये आपकी फ्रेंडली बैक्टीरिया का घर है। ये बैक्टीरिया जैसे मैंने बताया आपको बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। एक दूसरा काम जो मैंने आपको बताया कि कुछ खास सिंथेसिस भी करते हैं कुछ चीजों की, जैसे विटामिन के है, B12 है, या आप कह सकते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स SCFAs हैं, इनके सिंथेसिस भी आपके बड़ी आंत में प्रोबायोटिक या गुड बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसको हम पोस्टबायोटिक कहते हैं। ये है शब्द पोस्टबायोटिक। तो प्रोबायोटिक और आपके खाने के संबंध जब बनते हैं और उसके एक्शन से जो चीज बनती है, जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, उसको हम पोस्टबायोटिक कहते हैं। तो एक अच्छा प्रोबायोटिक हमेशा एक अच्छा पोस्टबायोटिक बनाता है, या से पोस्टबायोटिक इफेक्ट बहुत अच्छे बनते हैं। तो छोटी आंत में मैंने आपको बताया कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, और बाद में बड़ी आंत जो है ना, वो पानी को आपको एब्जॉर्ब करती है, प्लस क्योंकि वो गुड बैक्टीरिया का घर है तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये सब काम होता है फर्मेंटेशन के थ्रू। देखिए, फर्मेंटेशन आपकी बॉडी में होता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि फर्मेंटेशन, एक बात को समझिए, देखिए कोई भी आपकी बॉडी में सेल जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या इस रूप में नहीं यूज करती है, जो उसका जैसे हमारे यहाँ पैसा चलता है रुपया या पैसा, उसी तरीके से आपकी सेल्स के लिए जो नगदी है, जो कैश है, या जो उसको एनर्जी कैश है, इसको हम कह सकते हैं एनर्जी की मुद्रा, उसकी ऊर्जा की जो मुद्रा है या उसकी करेंसी है, तो दैट इज ATP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP एक मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज को लगातार टूटता है और खास तौर से प्रोबायोटिक की मदद से वो बनता है। ग्लूकोज तोड़ने के बाद ATP एंड देन ADP एंड 5CMP, इस तरीके का जिसको हम क्रैब साइकिल कहते हैं, वो चलता है। फर्मेंटेशन बहुत जरूरी है, बिना फर्मेंटेशन के कोई भी ATP मतलब वो जो एनर्जी करेंसी है आपके सेल की, कोशिका की, वो कभी पैदा नहीं हो सकती। तो प्रोबायोटिक्स मैंने बताया आपके बहुत सारे काम करता है, और आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्या और कर सकते हैं। देखिए, प्रोबायोटिक्स आपके सबसे पहले, आपके अड़ोस पड़ोस में गुंडे रहते हैं, ठीक, हाँ, आप घर में क्या करते हैं, गार्ड हायर करते हैं। पता चला दो दरवाजे पे बैठे हैं, दो अंदर हैं, दो छत पे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कभी कभी बड़े बड़े नेता आपके शहर में आते हैं तो क्या गार्ड लग जाते हैं चारों तरफ। इसी तरीके से प्रोबायोटिक आपकी हेल्थ, खास तौर से आपकी आंतों के गार्ड हैं, तो ये बहुत सारे काम करते हैं। ये कई बार आपके खाने में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कैल्शियम है और आयरन है, इसके एब्जॉर्प्शन में भी इम्प्रूवमेंट के लिए बड़ा यूज किया जाता है। प्रोबायोटिक्स मैंने आपको बताया, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स भी का प्रोडक्शन करते हैं, आंत की परत में सुधार करते हैं। देखिए, एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम। मैंने बताया ना कि आपके मुंह से लेके गुदा तक आपको एक झिल्ली मेम्ब्रेन है अंदर, वो मेम्ब्रेन आप जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें से जहरीले तत्व तो आपके शरीर में ना जाए, इसका बचाव करती है। अब आंतों में ये मेम्ब्रेन थोड़ी ढीली पड़ जाती है, इसलिए कुछ जहरीली तत्व आपके खून में डायरेक्ट चले जाते हैं, इसको हम कहते हैं लीकी गट सिंड्रोम।
तो यहाँ पे भी जब इन्फ्लेमेशन लॉन्ग टर्म रहता है आपकी आंतों में, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं, तो वहां पे लीकी गट सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स आपकी लीकी गट सिंड्रोम को कम करने में मदद करता है, आपकी आंतों के अंदर की जो बनावट है उसको और कसता है, उसको और इम्प्रूव करता है, और सही तरीके से आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, उनके प्रोडक्शन को भी ये बढ़ाता है, ताकि वो आपके शरीर में बेहतर तरीके से अवेलेबल होके वो आपको कर सके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताऊं, देखिए अक्सर आपने सुना होगा गट ब्रेन एक्सिस, गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, छोटा दिमाग आपके गट के अंदर भी है, ठीक है ना। एक तो किसी एक्टर ने कहा था दिमाग पीछे भी है, लेकिन वो एक अलग चीज है। तो आपका ब्रेन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके गट से। जहां आपका गट डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, आपका उसका जो अंदर का पूरा एनवायरनमेंट है, पूरा जो वातावरण है वो डिस्टर्ब हो गया, बैड बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग पे असर डालता है। तो मैंने मेरे एक सेशन में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेस में भी आप ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रोबायोटिक्स की कमी देखी गई है। तो प्रोबायोटिक्स मतलब आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया अगर प्रॉपर नहीं है तो आपके ब्रेन में भी कुछ चीजें हैं। देखिए ब्रेन में कुछ जो काम करने के लिए तत्व होते हैं उनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको हम सीरोटोनिन कहते हैं। सीरोटोनिन खुशी का है, ठीक है ना, और आपके मूड का है। तो ये सीरोटोनिन आपकी आंत में भी ये प्रोड्यूस होता है। वो कौन काम करता है? अच्छे गुड बैक्टीरिया। तो उनकी वजह से सेरोटोनिन जो अभी आपके दिमाग में है उसका एक बड़ा पूरे शरीर में, जो भी है नॉट दिमाग में, पूरे शरीर में, तो उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी आंत में उत्पन्न होता है। तो इसलिए गट ब्रेन एक्सिस भी है। अगर आपके पेट गड़बड़ तो आपका दिमाग भी गड़बड़। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर आपका पेट सही है तो 80% बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो पेट दुरुस्त आप तंदुरुस्त, इसका कहने का मतलब ये है। ऐसा मेरा एक वीडियो है, उसको भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दूसरा वेगस नर्व होता है, उसका कनेक्शन भी आपके ब्रेन के साथ में है। वेगस नर्व आपकी उन सिस्टम को, उस नर्वस सिस्टम को ये ठीक रखती है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। आपके डाइजेशन है, हार्ट रेट है, इम्यून सिस्टम है, ये सब इनवॉलेंट्री है, आपकी इच्छा से ये सब नहीं होते। मैं जैसे हाथ चला रहा हूँ ये वॉलेंट्री है, मेरी इच्छा से, लेकिन आपके शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज हैं जो आपकी इच्छा से नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसलिए उस नर्वस सिस्टम, उसको जो ब्रेन में नर्वस सिस्टम चला रहा है उस एक्टिविटीज को, उसमें भी प्रोबायोटिक्स का थोड़ा बहुत दखल देखा गया है। तो इसलिए कह सकते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और भी है, कुछ हर्ब्स हैं जो बड़ी अच्छी पाई गई हैं इसमें, और उसमें जिंजर है, टर्मरिक है, ओमेगा 3 है, और जिंजर तो हमारे एटॉमिक न्यूट्रोमिक्स में भी, इसको भी आप देख सकते हैं। मेंटल हेल्थ जो मैं आपको बता रहा था, गट ब्रेन एक्सिस, तो उसमें लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम बैक्टीरिया ये बहुत ही ज्यादा अच्छे हेल्पफुल देखे गए हैं। बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं उसमें ये देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस टाइप के जो प्रोबायोटिक्स हैं वो आपके शरीर में लैक्टिक एसिड बनाते हैं। लैक्टिक एसिड एक लैक्टेज एंजाइम का उत्पादन करता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये लैक्टिक लैक्टेज या लैक्टिक एसिड जो है ना वो आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में काम करता है, और विटामिन थियामिन, B12, फॉलेट, उसके प्रोडक्शन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब सवाल उठता है कि मैं अपनी आंख को नेचुरल तरीके से कैसे ठीक रख सकता हूँ। तो मैं आपको कुछ टिप दे देता हूँ, जैसे अच्छा हाई फाइबर डाइट लीजिए, ठीक है ना, कई प्रकार के भोजन कीजिए, एक प्रकार का भोजन बार बार मत कीजिए। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ डाइवर्सिफाइड फूड आप लीजिए, ठीक है ना, बहुत अल्ट्रा प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड जो पैकेज मिलता है, नूडल्स ये टाइप जो मिलते हैं और मैकडोनल्ड्स वगैरह, इसको मत लीजिए। खूब पानी पीजिए, ठीक है, पॉलीफिनॉल्स का जितना यूज आप ज्यादा कर सकते हैं उतना कीजिए, और फर्मेंटेड फूड ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश कीजिए। साथ में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक बहुत जरूरी है। धीरे धीरे खाइए, ज्यादा तेज खाएंगे तो आपका लार में जो टैलिन है वो मिक्सअप नहीं हो पाएगा। वही 32 बार चबाना फिर खाना, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए जितना भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं गट के बारे में, लेकिन फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डिजीज और प्रोबायोटिक के बीच में संबंध, तो मैंने कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स को लेके आया हूँ जिसको मैं समझता हूँ आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। देखिए डायरिया में तो प्रोबायोटिक का बहुत अच्छा रोल है। 2017 में अस्पताल में भर्ती किए गए लोगों पर देखा गया कि एंटीबायोटिक दवाओं के साथ जब लोगों को प्रोबायोटिक्स दिया गया तो एंटीबायोटिक रिलेटेड डायरिया, मतलब एंटीबायोटिक देने से जो डायरिया दस्त लग जाते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज में आधे से ज्यादा कमी आई, ठीक है। इसी तरीके से कब्ज, मतलब कॉन्स्टिपेशन में भी ये बड़ा अच्छा काम करता है, और ईबीडी जैसे मैंने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में प्रोबायोटिक्स के बहुत सारे अध्ययन स्टडीज हुई, लगभग 53 स्टडीज हुई हैं। उसमें ये देखा गया कि प्रोबायोटिक्स खासतौर से बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस, IBS लक्षण और पेट दर्द पे बड़ा अच्छा प्रभाव डालते हैं।
इवन बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों को जिसको माइकोबैक्टीरियम कहते हैं उसको हानिकारक कीटाणु में रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों की क्रियाओं के लिए ये दोनों बहुत जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपका खाना छोटे अणुओं में टूट गया लेकिन वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तब भी कोई फायदा नहीं है। तो ये दोनों काम के लिए बहुत जरूरी है। कहा यह जाता है कि जन्म के पहले 1000 दिन मतलब 3 साल तक आपकी आंत इंटेस्टाइन में माइक्रोबायम विकास चलता रहता है, जो आपकी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम की मैच्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है और आपकी टोटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस दौरान तीन मतलब फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट देखा गया है। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, सभी का कोलेस्ट्रॉल जिसका देखो उसका बढ़ा हुआ है। तो 3 से ज्यादा स्टडीज हुई है, उसमें से लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस एंड बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस प्लांटरम, इन दो तीनों का आपस में कॉम्बिनेशन बना बना के दिया गया। तो ये देखा गया किसी भी कॉम्बिनेशन को दिया गया अगर प्रोबायोटिक को, तो टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल का रिडक्शन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण कमी हुई है। तो ऐसे 3 से ज्यादा स्टडीज हुई है। मोटापा आजकल की बड़ी परेशानी है, आप जानते ही हैं, माइकोटा मोटा समझिए। मोटापा आपकी एनर्जी, आपकी कैलोरीज आपकी ज्यादा स्टोर हो रही हैं, आपकी खर्च कम हो रही है, इसमें इम्बैलेंस यही मोटापा है, ठीक है ना। तो आपकी कैलोरीज के खर्च करने में भी प्रोबायोटिक्स बड़ा अच्छा रोल अदा करते हैं, इसलिए मोटापे में भी कई ऐसी स्टडीज हुई हैं जहाँ पे प्रोबायोटिक्स बड़ा अच्छा प्रभाव दिया है। प्रोबायोटिक्स आपके शरीर में कब कम होते हैं, किन चीजों को लेने से आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स कम हो जाते हैं? देखिए आमतौर से प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बहुत नाजुक होते हैं और अलग अलग कारकों बहुत सारे फैक्टर्स से जिनकी वजह से मारे जा सकते हैं। सबसे पहला एंटीबायोटिक्स, दूसरा आप समझ लीजिए हीट, बहुत ज्यादा हीट में अगर आप रहते हैं तो, और तीसरा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ए शराब, एल्कोहल लेने वालों की प्रोबायोटिक्स हमेशा डिस्टर्ब रहता है या अंतर्गत माइक्रोबायोटा हमेशा डिस्टर्ब रहता है। गर्मी, एसिडिटी जिनको ज्यादा होती है उनका भी प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक की कमी का बहुत सारा कारण हो सकता है। जब प्रोबायोटिक की कमी होती है तो इसको हम कहते हैं डिसबायोसिस, और बहुत सारी स्टडीज हैं जब डिसबायोसिस मतलब गुड बैक्टीरिया लो बैड बैक्टीरिया अप, जब ये होता है तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। डिसबायोसिस से बहुत सारे रोग देखे गए हैं जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस, आईबीडी, डायबिटीज, ये बहुत सारी चीजें। अब सवाल उठता है हम कैसे जाने कि प्रोबायोटिक्स की कमी है या नहीं है। सबसे पहला लक्षण है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब होता है दिमाग में हर समय ऐसा लगना कि भाई फॉग का मतलब धुंधला है, लेकिन क्लैरिटी ना होना, कंफ्यूजन स्टेट में रहना। पेट में दर्द एक बहुत बड़ा लक्षण, बहुत ज्यादा आपको थकावट रहती है, आपको नींद नहीं आती प्रॉपरली। अगर आपको नींद नहीं आती तब भी प्रोबायोटिक्स आपकी गट डिस्टर्ब होगी, अगर गट डिस्टर्ब है तब भी नींद नहीं आएगी, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मूड स्विंग आपकी बहुत ज्यादा होती है, आप जरा सी देर में चिड़चिड़ा जाते हैं, जरा सी देर में आप खुश हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब बताते हैं कि आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स की कमी है। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट कीजिएगा, जब भी आप किसी को रिकमेंड करें या खुद खाने की कोशिश करें तो आप इन चीजों को देख सकते हैं। आमतौर से इंटरनेशनली प्रोबायोटिक्स की जो डोज होती है वो 1 बिलियन से 10 बिलियन तक कई ऐसे सप्लीमेंट आते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा सीएफयू, ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है, बहुत ज्यादा सीएफयू देने पर भी बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं उसे। मतलब अगर कोई कहे कि साहब मैंने 20 सीएफयू दिए हुए हैं, मेरे में 20 हैं, मेरे में 5 हैं, मेरे में 10 हैं, तो आप ऐसा समझिए कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट उतने मल्टीपल नहीं होने वाले हैं। जैसे किसी ने 1 दिया, किसी ने 5 दिया, तो 5 गुना होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। तो इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशंस हैं वो 1 से 3 बिलियन सीएफयू की है। अच्छा मजा, कमाल की बात मालूम क्या है आपको? कमाल की बात यह है प्रोबायोटिक्स जब आपको फायदा देंगे, जब आपके एक मिनिमम कंसंट्रेशन में, न्यूनतम कंसंट्रेशन में ये छोटी आंख के इलियम जो भाग होता है वहां तक पहुंचे। अगर वहां तक ये नहीं पहुंचते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो आप चाहे 20 बिलियन ले लीजिए लेकिन वो आपके किसी काम के नहीं है, और वो तभी पहुंच पाएंगे जब आपके प्रोबायोटिक के साथ अच्छे प्रीबायोटिक्स भी हो। सबसे पहला लक्षण है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग का मतलब होता है दिमाग में 25% प्रोबायोटिक्स आपकी आंतों तक पहुंच ही नहीं पाते, आप समझिए मेरी बात। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझना, कौन सा प्रोबायोटिक पेट के एसिड से बच जाता है, एक सवाल उठता है। तो आमतौर से 2 ही प्रोबायोटिक होते हैं, लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरिया, ये एसिडिटी के प्रति काफी रेजिस्टेंट होते हैं इसलिए बच जाते हैं। अब हम बताते हैं एटॉमिक एंड न्यूट्रामिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों किफायती है, इसको बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए
आखिरकार प्रोबायोटिक भी जीवित सूक्ष्म बैक्टीरिया है, तो ये भी अगर आपके ब्लड में कहीं चले गए तो वहां भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप पहले मेरी बात को समझ। तो किसी को भी जब उसके माहौल में काम कराया जाता है तभी वो काम कर सकता है, वो माहौल उनको मिलता है छोटी आंत में और बड़ी आंत में। तो आप ये समझ लीजिए, हमको जो दिए जाते हैं प्रोबायोटिक, उनका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो प्रोबायोटिक आपके हाथ में आता है, तब आप उसको खाते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हमने प्रोबायोटिक्स लिविंग बैक्टीरिया दे दिया और आपने खा लिया तो आपको फायदा पहुंचेगा, नहीं। उनका एक प्रोसेसिंग होता है, वो क्या प्रोसेस कहलाता है, उसको कहते हैं स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन दो प्रकार का होता है, एक तो जनरल स्टरलाइजेशन होता है। जनरल स्टरलाइजेशन में आपके जो सेल्स होते हैं, आखिरकार वो भी सेल्स है ना, जो आपके प्रोबायोटिक हैं या गुड बैक्टीरिया हैं वो भी सेल्स है ना। तो सेल्स दो प्रकार की होती है, एक तो होती है वेजिटेटिव सेल्स, एक होती है स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स में 25% प्रोबायोटिक्स आपकी आंतों तक पहुंच ही नहीं पाते, जाड़ू। तो वेजिटेटिव सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब जिंदा है वो, लेकिन जो सेल डिवीजन होता है उससे सेल और बनने की संभावना वो नहीं होती, वो होती है सिर्फ आपके स्पोर्स से। तो दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, स्टरलाइजेशन होता है और टिंडलाइजेशन होता है। हमारा एटॉमिक न्यूट्रामिक्स जो है ना, उसमें टिंडलाइजेशन के द्वारा उसको प्रोसेस किए गए हैं। कौन? गुड बैक्टीरिया। टिंडलाइजेशन एक तरीके का फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन है, जिसकी वजह से ये बेसिकली क्या होता है, ये आपकी इफिकेसी को, आपकी गुड बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस को एसिड से और किसी भी चीज से बढ़ा देगा। तो टिंडलाइजेशन जो है ना, वो जब तक वो आंत में नहीं पहुंचेंगे तब तक वो दोबारा से सेल डिवीजन उनका नहीं हो पाएगा, मतलब कहीं बीच में आपके कहीं किसी पार्ट में चिपक के वो वहां पे अपना सेल डिवीजन करने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है जब आप टिंडलाइजेशन कर देते हैं। तो एटमी न्यूट्रामिक्स जो है ना, वो टिंडलाइज्ड प्रोबायोटिक है, इस वजह से ये ज्यादा सेफ है, ज्यादा सेफ है। एटोमिक न्यूट्रामिक्स की यूएसपी क्या है? देखिए, टिंटलाइजेशन के कारण प्रोबायोटिक्स का सबसे सुरक्षित रूप है, इस क्योंकि कुछ प्रोबायोटिक्स ने जनरल स्टरलाइजेशन जो उनको दिया गया था, कुछ ऐसी स्टडीज भी हैं जहां पे निगेटिव इफेक्ट देखा गया है प्रोबायोटिक्स का, जब उनको जनरल स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा दिया गया। तो टिंटलाइजेशन इज द मोस्ट सेफेस्ट वे जिसपे हम प्रोबायोटिक्स को और बेहतर तरीके से आपके शरीर में पहुंचा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स की मात्रा हमारे पास में 3 बिलियन पर पाउच है। देखिए डॉक्टर, एक जो ब्रांड लिखते हैं मार्केट में, जाड़ू, तो वेजिटेटिव सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप देख सकते हैं, उसमें होते हैं 166 मिलियन स्पोर। इसके बारे में आपको हर सेशन में बता चुका हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। तो 166 मिलियन स्पोर होते हैं, जो 22 रुपए का एक कैप्सूल आता है। अगर 166 मिलियन स्पोर, केवल स्पोर को अगर आप हमारे 3 बिलियन स्पोर्स के साथ थोड़ा सा करें, तो हमारा एक पाउच उनके 18 कैप्सूल के बराबर आता है। क्या बोले? 18 कैप्सूल। अभी हमने अपने अंदर, हमारे न्यूट्रामिक्स में 14 प्रकार के प्रोबायोटिक है, वो तो बताया नहीं है, अभी हम सिर्फ एक चीज बता रहे हैं, क्वांटिटी टू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी वाइज अगर हम इसको देखें तो हमारा जो न्यूट्रामिक्स है उनके 18 कैप्सूल के बराबर बनता है। तो 18 कैप्सूल का उनका ब्रांड का प्राइस बनता है 396 और हमारा है सिर्फ 75। तो इसलिए जो लोग कहते हैं न्यूट्रामिक्स महंगा है, कृपया दोबारा से देखें और समझें, बिल्कुल महंगा नहीं है। भी होते हैं, जैसे सेब है, केला है, रस भरी है, स्ट्रॉबेरी है, पाइनएप्पल है, संतरे का जूस है, नींबू का रस है, उसका कंसंट्रेट है, वो भी दिया हुआ है, अदरक है, जिंजर है, लिकोराइस पाउडर, मुलेटी का पाउडर है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोर प्लम कंसंट्रेट, आलू बुखारे का कंसंट्रेट है, उसका उसमें पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, पोटेशियम सम होते हैं, इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो आपके अंदर की सूजन को कम करके आपकी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाती है। इसलिए ये सब जो प्रीबायोटिक्स और फाइबर हैं, ये किसी में इतने सारे नहीं आते जितने एटोमिक न्यूट्रामिक्स में आते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्लस पॉइंट है। किसको देना है? तो जो लोग अपनी आंतों का स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा रखना चाहते हैं, उनको आप दीजिए। जो आदमी स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना चाहते हैं, आप उनको दीजिए। अनहेल्दी जंक फूड जिनकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा, उनको आप दीजिए। जिनका इंटेस्टाइन स्वस्थ नहीं है, उनको दीजिए। जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनको दीजिए। जो बहुत डेली ड्रिंकिंग है, अल्कोहल लेते हैं, उनको आप दीजिए, लेकिन वहां अल्सरेशन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कहाँ नहीं देना चाहिए। एक पाउच डेली आप ल्यूक वार्म पानी में मिला के लीजिए। और अब आपको समझाता हूँ प्रोबायोटिक्स किसको नहीं लेना चाहिए। जिनका इम्यूनिटी कमजोर है, मत दीजिए। जो इम्यूनो सप्रेसिंग दवाएं ले रहे हैं, जैसे आपकी किडनी डिसऑर्डर या किडनी ट्रांसप्लांट, इस तरीके की चीजें, वहां पे आप मत दीजिए। जो बहुत ही क्रॉनिक डिजीज, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको मत दीजिए। जिनके अंदर ब्लीडिंग हो रही है बॉडी के अंदर, अगर किसी भी रूप में, चाहे पेप्टिक अल्सर हो या आपका ड्यूडिनल अल्सर हो, माउथ अल्सर हो, कहीं पे भी, तो आप
प्रोबायोटिक मत दीजिए। हाई बीपी और प्रेग्नेंट लेडीज को भी आप थोड़ा बचा के रखिए, तो इनको भी आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताऊं, मार्केट बहुत एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, ये लगभग 20% के हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है। आप खुद भी लीजिए, लोगों को खिलाइए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। प्रोबायोटिक्स एटोमिका वन ऑफ द बेस्ट, जिसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं और कई लोगों को दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देना है तो जो लोग अपनी आंतों का स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहते हैं, अगर नहीं तो बताइए मैं क्या सुधार कर सकता हूँ। थैंक यू।